एक छोटा सा विषय मैं कहना चाहूँगा। कल से यदि कक्षा 6:10 पे चालू हो सकती है तो मुझे चाहिए। क्यों बताता हूँ, मैं 7 बजे के पहले पहले सूर्यास्त के पहले पानी पीना चाहता हूँ। और 7:10 पे आओगे तो मैं 7:05 पहले पूरा करूँगा, जाके निराकुलता से पानी पी सकूँगा। इसलिए 6 बजे से करना तो बहुत बढ़िया, 6 बजे से 6:45 करेंगे तो बहुत अनुकूलता है, अच्छी बात है। 6 बजे से कल से कक्षा होगी, अच्छा। कल कौन नहीं थे, आज एक और कौन नहीं थे, कहाँ गए थे भाई? लेट हो गई इसलिए आए नहीं, ये भी कुछ उपाय है, लेट हो गए तो नहीं आना ये उपाय नहीं है। लेट तो लेट सही, नहीं आना ये उपाय नहीं है। हम पूछते लेट क्यों हो गए, इतनी से बात हो जाती। और वर्धमान, आप भी कक्षा में प्रवचन के लिए नहीं आए, ये मुझे पसंद नहीं आया, अच्छी बात नहीं है। आज किसका प्रवचन है, सबका हो गया, ठीक है। अब किताब बंद रखो, रखोगे? पहले मुझे परिभाषा पूछना है, दोनों परिभाषा से किताब बंद चाहिए, देखना ही हो तो बाद में मैं देखने के लिए अवकाश दूंगा, पहले थोड़ी बात सुनो। शिविर के दिनों में मैंने ये कहा था, अविरत सम्यक्त गुणस्थान का काल, अविरत सम्यक्त गुणस्थान का काल अधिक से अधिक होगा तो कितना हो सकता है, ये मैंने बात कही थी। फिर से बोलता हूँ, अविरत सम्यक्त गुणस्थान का काल अधिक से अधिक होगा तो कितना और कैसा होगा, ये बात कही थी। पर कितने लोग कह सकते हैं, बाकी के लोगों को मालूम नहीं, उन दिनों में बहुत चर्चा हो गई थी। क्या तुम्हारा नाम? औरंगाबाद। अमोल, सरनेम क्या है? अमोल अंबेकर, बोलो, सुनना बराबर। ये तो दूसरे गुणस्थान के काल है, मैं चौथे गुणस्थान के काल पूछ रहा हूँ। आपने जो बताया ये दूसरे गुणस्थान के काल है, जघन्य काल एक समय, उसको संक्षेवली, मैं तो चौथे गुणस्थान के काल पूछ रहा हूँ। एक समय चौथे गुणस्थान काल है ही नहीं, न जघन्य है न उत्कृष्ट है, चौथे गुणस्थान काल तो एक समय होता ही नहीं। तुम्हें मालूम है? बराबर बताओगे? गप तो नहीं लगाओगे ना? गप नहीं लगाना, बराबर बता देना। गप लगाना हो गया। उत्कृष्ट आयु 33 सागर, जघन्य आयु अंतर्मुख। आयु की बात ही नहीं अपनी। जघन्य काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल 33 सागर। ऐसा है नहीं, बोलो। जघन्य काल है अंतर्मुहूर्त बेटा, और उत्कृष्ट काल है साधिक 33 सागर। साधिक 33 सागर है। अब इतना तो विशाल ने बताया, लेकिन तर्क के साथ बराबर जैसा बताया था ऐसा बताना चाहिए, बोलोगे? बराबर बोलो।
सादिक नैतिक सागर गुणस्थान ऐसे रह सकता है कि अगर कोई जीव सर्वार्थ सिद्धि में चला जाता है तो वहाँ पे देश व्रत नहीं ले सकते, वहाँ पे चतुर्गुणस्थान ही रहता है और उत्कृष्ट आयु होती है 33 सागर। तो इस अपेक्षा से क्या बोलते हैं, हाँ, अविरत समय गुणस्थान 33 सागर तक होता है और कम से कम एक अंतर मुहूर्त नहीं है ना। सामान्य उत्तर भाव बता दिया है, खुलासा करने के कहा तो गलत हो गया, तुम्हें इसको समझ में नहीं आया, कुछ स्मरण में नहीं है, तुम्हें स्मरण में नहीं है। नहीं, मैं अविरत समय दूसरा काल पूछ रहा हूँ, बहुत चर्चा के साथ विषय हो गया था, बोलो अभी एक बार सुनेंगे तत्काल बताने की क्षमता रखो। अविरत समय गुणस्थान वर्ती जीव जब यहाँ से आयुषय कर जब सर्वार्थ सिद्धि में जाता है तो एक समय कम 33 सागर की आयु व्यतीत करता है। सर्वार्थ सिद्धि में एक कम 33 सागर की आयु है ही नहीं, सर्वार्थ सिद्धि की आयु विग्रह गति का एक समय कम होकर अनुत्तर विमानों में सर्वार्थ सिद्धि में जीव जाता ही नहीं, एक समय कम 33 सागर में जन्म लेता ही नहीं। बोलो। जो चार अनुत्तर विमान है सर्वार्थ सिद्धि के अलावा जीव उसमें जाता है तो वहाँ एक समय कम 33 सागर उतनी आयु पूर्ण करके वहाँ से यहाँ का कौन जीव वहाँ जाता है, यहाँ का शायिक समय दृष्टि नहीं मतलब पंच पंचोत्तर में जाता है अपने से बताया था। बैठिए और को कहेगा, यानी किसी को नहीं आया ऐसा हो गया ना, बराबर बताओगे, बोलो। निर्णय नहीं छोड़ो, देखो अभी आप लोगों को इतना स्मरण में रखना चाहिए था, अब बताता हूँ स्मरण में रखना, किताब में देखने कुछ आवश्यकता नहीं है। जब किताब में देखने की आवश्यकता नहीं बोलता हूँ तो विद्यार्थी किताब खोले रखते हैं। भावलिंगे मुनिराज छठे सातवें स्थान में झूलने वाले, यहाँ से चार अनुत्तर विमान में से कहीं एक जगह एक समय कम 33 सागर में जन्म लेते हैं, वहाँ एक समय कम 33 सागर की आयु और वहाँ से नीचे आएंगे तो एक पूर्व कोटि मनुष्य का आयु बांधेंगे और एक पूर्व कोटि आयु के अंतिम अंतर मुहूर्त तक वे अविरत सम्यक दृष्टि रहेंगे। इस तरह साधिक 33 सागर एक समय कम 33 सागर और ये एक अंतर मुहूर्त एक पूर्व कोटि इतना जीवन अविरत सम्यक मनुष्य का काल है। अब समझ में नहीं आया हो तो दोबारा कहूँगा, किताब में क्या लिखते हो, किताब में लिखोगे, नोटबुक नहीं, अब क्या करें, नोटबुक नहीं है किताब में लिखने का प्रयास करते हैं, ये अच्छा नहीं है, किताब में है लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं। फिर से सुनो, यहाँ के भावलिंगे मुनिराज छठे सातवें स्थान में झूलने वाले अथवा उपशम श्रेणी चढ़ने वाले भी जा सकते हैं, कहाँ, चार अनुत्तर विमान में, चार अनुत्तर विमान में गए वहाँ एक समय कम 33 सागर की आयु हो गई, वहाँ से नीचे कर्म भूमि में मनुष्य होकर जन्म लेंगे, यहाँ एक अंतर्मुत कम पूर्व कोटि अंतिम अंतर्मुत में वे मुनि होकर के मोक्ष जाएंगे। अब यह हो गया एक समय कम 33 सागर और एक अंतर्मुत कम एक पूर्व कोटि, इसका अर्थ साधिक 33 सागर चौथे गुणस्थान का
उत्कृष्ट काल है। अब समझ में आया हो तो हाथ ऊपर करके मुझे बता देना, हमें समझ में आ गया। अरे बाकी को लोगों को समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया पूछो, बोलो। दो बार बता दिया, तीसरी बार बताता हूँ, उपयोग लगाकर सुनोगे, उपयोग लगाकर सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ के भावलिंगी मुनिराज मनुष्य गति के, यहाँ का मनुष्य आयु पूर्ण करने के बाद, यहाँ मनुष्य आयु पूरी होते ही चौथा गुणस्थान होता है। चौथे गुणस्थान के साथ अनुत्तर विमान में एक समय कम 33 सागर तक वहाँ रहना होगा। चौथे गुणस्थान में एवरेस्ट समेत गुणस्थान में वहाँ से च्युत होकर के वे एक पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्य होंगे और अंतिम अंतर्मुहूर्त में मुनि बन करके मुक्त होंगे। इसके लिए चौथे गुणस्थान का काल साधक 33 सागर हो गया, अथवा एक समय कम 33 सागर और एक अंतर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि। समझ में आ गया अब समझ में आ गया है ना, बोलो। अलग नहीं, नहीं चले, ये समझना, प्रकरण से अलग कोई भी पूछेगा नहीं। यहाँ प्रश्न मंच नहीं चल रहा है, यहाँ कक्षा चलेगी। प्रश्न मंच जब हो तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, यहाँ तो कक्षा के विषय के संबंध में पूछोगे तो ठीक। बोलो। हमें कौन सा चर्चा क्या है, चर्चा किसकी है, चर्चा किस गुणस्थान की है? चर्चा किस विषय की है? चतुर्गुणस्थान की बात समझ लेना, क्षायिक समित्व सूक्ष्म समित्व क्या संबंध है। चर्चा एवरेस्ट समित्व गुणस्थान की है, वह विषय समझो, विषय छोड़कर कुछ भी नहीं पूछना, विषयांतर करके बिल्कुल नहीं पूछना। इतने बार डाटा है तो भी समझ में नहीं आता तो क्या करें, बोलोगे? बोलो। एवरेस्ट समेत उसका काल कितना होता है, अधिक से अधिक कितना होता है, कैसे होता है, घटित करके दिखा दो। भावलिंग मुनिराज होते हैं, वह चौथे गुणस्थान में मनुष्य आयु का बंद होता है, ठीक है, चौथे गुणस्थान में नहीं, मनुष्य आयु का बंद होता है, फिर चौथे गुणस्थान में जाते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे तो वास्तव दया आती है, तुम्हारी दया के पात्र हो, वास्तव दया के पात्र हो, कुछ आता ही नहीं, अन्य लज्ज से हंसते हो, पशु जैसे हंसते हो, निर्लज होकर के पशु कहते तो भी हंसी आती है तुम्हें, क्या कहा जाए। बैठने के लिए कहा था, मैंने नहीं कहा था, बैठने के लिए कहा नहीं था। बोलो, समझ में कुछ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, बैठो, दया के पात्र हो, वास्तविक दया के पात्र है। इतना समझाने पर भी समझ में नहीं आया और कुछ बताना नहीं बना, क्या है जीवन, और अपमानित होने पर भी हंसी ही आती है, उस मनुष्य को क्या समझाना। थोड़ा बीच बीच में टोकता रहूँगा, सुधार होगा तो तुम्हारा भाग्य।
सुधार नहीं होगा तो तुम्हारा भाग्य। अभी परीक्षा में भी क्या लिखते हो देख लेते हैं। परीक्षा में पास होना बहुत बड़ी पात्रता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। परीक्षा में कोई भी पास होता है। हाँ भाई बोलो क्या प्रश्न, विषय के अनुसार हो तो पूछना। हाँ 33 सागर में एक समय कम इसलिए लिया जो 33 सागर में एक समय कम के साथ ही वहाँ जन्म लेता है वही जीव यहाँ आने पर, सुनना बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप लोगों को एक एक समय की महिमा ख्याल में आना चाहिए। जिन वाणी की महिमा जिनको समझ में नहीं आएगी वह शास्त्री हो जाए, नंबर भी आ जाए, लोग आपके बहुमान भी करे, जिन वाणी की महिमा नहीं आएगी तो क्या दम है। मैं ये कह रहा हूँ आपका प्रश्न ये था एक समय कम 33 सार क्यों लिया, उसका उत्तर आचार्य ने दिया है। यदि एक समय कम 33 सागर आयु में जन्म न लेकर पूरे 33 सागर करेंगे अथवा दो समय आदि कम होंगे तो वो जीव अंतिम अंतर मुहूर्त तक चौथे स्थान में नहीं रहेगा, वो जल्दी मुनिराज बनेगा, जल्दी मोक्ष जाएगा। इसलिए अव्रत समेत गुणस्थान का काल अधिक से अधिक दीर्घ निकालना हो तो 33 सागर में एक समय कम ही लेना चाहिए तो ही उस जीव का चौथा गुणस्थान उत्कृष्ट निकलता है। यह है, ये समझ में आया, बोलो। बत्तीस सागर से लेकर 33 सागर तक होती है और सर्वसिद्धि में मात्र 33 सागर ही होती है। फिर से सुनो, सर्वसिद्धि में आयु मात्र 33 सागर होती है, चार अनुत्तर विमान में 32 सागर के सागर को लेकर 33 सागर तक होती है। बोलो, कुछ समझ में नहीं आया। देखो भाई, एक समय कम 33 सागर के आयु में जन्म होगा तो ही उस जीव का अविरक्त सम्यक अनुसार काल सर्वोत्कृष्ट निकलता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक ही आचार्यों ने एक समय कम 33 सागर वाले जीव को लिया है, अन्य कोई कारण नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ जिनमान की सूक्ष्मता समझकर, परिणामों की विशेषता समझकर हमें जिनमान की महिमा आना चाहिए। मात्र ज्ञान होवे इसमें कुछ दम नहीं है। ज्ञान तो किसी अजैन को भी होगा लेकिन इस जिनवाणी की महत्ता हमें आना चाहिए। वाह क्या विषय है, आचार्य ने कैसा पकड़ा है। ऐसा बहुमान के साथ ज्ञान हो तो पुण्य का बंध होगा, मात्र स्मरण में रहेगा तो जानकारी बढ़ेगी लेकिन परिणामों में विशुद्धि नहीं होगी। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, सबसे निवेदन है, प्रेम से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, आप रुचि के साथ पढ़ोगे तो लाभ मिलेगा, रुचि के बिना पढ़ोगे पास हो जाओगे। लेकिन जिन धर्म के प्राप्ति का आनंद नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। देखते हैं कितना कितने रुचि से पढ़ते हैं क्या होते हैं। हाँ भाई, अब मैं फिर से बोलता हूँ, प्रकरण को छोड़कर कोई पूछे नहीं, बहुत बार हो गया है, फिर से पूछोगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। अब मैं कैसे कठोर कहूँ, कठोरता से कितना कहूँ, इससे अधिक कठोर कहने की आवश्यकता नहीं। अब यदि चौथे गुणस्थान का जघन्य काल कोई पूछेगा
तो जघन्य काल कितना रहेगा बोलो? एक अंतर्मुहूर्त रहेगा, बैठिए, मात्र एक ही अंतर्मुहूर्त रहेगा। चौथे गुणस्थान काल जिस तरह सासाधन समित का काल जगन एक समय है, उत्कृष्ट छावली एक समय का काल भी होता है, उस तरह यहाँ एक समय का काल होगा ही नहीं और लघु अंतर्मुहूर्त भी नहीं होगा, अंतर्मुहूर्त होगा। फिर आप पूछोगे कौन सा अंतर्मुहूर्त? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो झलका है उतना अंतर्मुहूर्त। अनेक बार सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की दुहाई देते हुए, उनके साक्ष्य देते हुए ही कहना पड़ता है। ये किताब में है, सब किताब में है, आप किताब में देखोगे तो आपको पढ़ने में सुनने में बाधा होगी, इसलिए मैं किताब बंद करने कहता हूँ। अब मध्यम काल कितना? एक अंतर्मुहूर्त से लेकर साधिक 33 सागर, अर्थात एक समय 33 सागर और एक अंतर्मुहूर्त एक पूर्व कोटि, इसका बीच के जो जो होंगे वे सभी मध्यम काल होंगे। अब और एक सुनो भाई, बुद्धि की चतुराई, बुद्धि की सूक्ष्मता आप में है, मात्र उपयोग लगाने की बात है। नरक गति को लेकर चौथे गुणस्थल का काल निकालना हो तो कैसा निकालना चाहे? अर्थ कर, खाली कह पाते तुम्हें? कैसी मूर्खता, मुझे समझ में नहीं आती। अनेक बार टोकने के पर भी इधर देखना, उधर देखना, नीचे देखना, कैसी मूर्खता है। मेरी दृष्टि हर एक विद्यार्थी पर होती है, मैं ये बोल रहा हूँ जघन्य काल एक अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट काल 33 सागर, और ये देवगति को लेकर उत्कृष्ट काल हो गया चौथे गुणस्थान का। अब नरक गति को लेकर चौथे गुणस्थान का अधिक से अधिक काल कितना होगा? सुनना बराबर, एक बार भी बोलूँगा, जिनको समझ में आ जाए वे विशिष्ट बुद्धिमान, नहीं तो दोबारा बोलेंगे। 28 प्रकृति वाला, 28 मोहनी की प्रकृति जिनके सत्ता में है, अर्थात दर्शन मोहनी की तीन टुकड़े जिनके पास है, मिथ्यात्व, समय मिथ्यात्व, समय प्रकृति, ये तीन 25 चारित्र मुनि के, इस तरह 28 चारित्र मुनि के दर्शन मुनि की प्रकृति के साथ कोई सातवें नरक में जन्म लेगा। वहाँ जन्म लिया, पहले अंतर्मुहूर्त में तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वहाँ पीटना करना सब होता है। जन्म लेने के पहले ही औधिक ज्ञान से वहाँ ज्ञान होता है नारकियों को कि फलाना मेरा वैरी आने वाला है, मारने पीटने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। और नीचे गिरा माथे पे, गेंद के समान उछलता है जीव, अस्थिर हुआ नहीं हुआ इतने में पीटना चालू होता है। ये पहले अंतर्मुहूर्त में तो दुखे 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 होता है, दूसरे अंतर्मुहूर्त में थोड़ी शांति होती है, तीसरे अंतर्मुहूर्त में परिणामों में थोड़ा अशुभपना कम होता है, कषाय की तीव्रता कम होती है। तीन अंतर्मुहूर्त होने के बाद वहाँ क्षावभिषमक सम्यक्त होता है। सातवें नरक में तीन अंतर्मुहूर्त व्यतीत हो गए, वहाँ क्षावभिषमक सम्यक्त होता है। बाद में वो जीव अंतिम तीन अंतर्मुहूर्त तक क्षावभिषमक सम्यक दृष्टि ही रहता है। अंतिम तीन अंतर्मुहूर्त बचे
फिर मिथ्या दृष्टि होता है। क्यों? सातवें नरक के जीवों को नियम से तीव्र कषायी पशु में जन्म लेना होता है। उस जन्म की व्यवस्था के लिए ऑटोमेटिक ही वो मिथ्या दृष्टि बनता है। मिथ्या दृष्टि बन करके उसे तीव्र कषायी मांसाहारी तिरियंच गति का जन्म होता है, शेर वगैरह होता है। इस तरह छह अंतर्मुहूर्त कम 33,000 की आयु नरक में सम्यक साथ मिलती है। देखो मैं फिर से आपसे कहता हूँ, आपकी इस उम्र में ये विषय समझ में आना भाग्य की बात है, सुनने को मिलना भी भाग्य की बात है। तो जितना मनोयोग पूर्वक सुनोगे उतना आपको लाभ ही लाभ होगा। अब मुझे बोलो कितने लोगों को समझ में आया? नहीं, कुछ लोगों का हाथ ऊपर नहीं होते तो मैं दोबारा बोलूँगा। क्या समझ में नहीं आया? कौन सा विषय समझ में नहीं आया? तुम्हें समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? हाँ, फिर से बोलो। तीन अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो नहीं होता, पहले तीन अंतर्मुहूर्त में सम्यक तो नहीं होता, चौथे अंतर्मुहूर्त में सम्यक होता है, और बाद में तीन अंतर्मुहूर्त शेष रहते हैं उसमें मिथ्या दृष्टि होता है। और अधिक खुलासा किताब में है, बाद में पढ़ना। तुम्हें समझ में आ गया कौन है अंतिम? हाँ, अब देखो, अब मनुष्य गति की अपेक्षा, तिरंज गति की अपेक्षा अलग व्यवस्था है, मैं कहूँगा नहीं, आप किताब में स्वयं बाद में देखोगे, अभी वो बताऊँगा भी नहीं। अब चौथे गुणस्थान के जो दो परिभाषाएँ हैं, वो दो परिभाषा देखने के लिए मैं 2 मिनट का आपको समय दूँगा। दोनों परिभाषा देखें और कितने लोग सुना सकते हैं ये मैं देखूँगा। बराबर सुनाओगे? पक्का निर्णय? बोलो। दोनों परिभाषाएं जो परिणाम सम्यक दर्शन से हेतु परंतु इंद्रिय विषयों और त्रसस्तावर की हिंसा से अविरत अर्थात एक देश या सर्वदेश किसी भी प्रकार के संयम से रहे तो उस परिणाम को अविरत सम्यक गुणस्थान कहते हैं, तथा अप्रत्यक्ष दूसरी परिभाषा अप्रत्यक्ष रवण कर्म के उदय होने से असंयत होने पर भी 5, 6 या 7 अनंत अनुबंधी की 4 और दर्शन मुनि की 3 प्रगतियों के उपशम 6 और 6 उपशम की दशा होने पर भी जीव के औपसमिक छायक और छह उस समय यह भाव होते हैं उसको भी अविरत सम्यक गुणस्थान कहते हैं। अच्छा, बता दिया। अब सभी मिलकर दोनों परिभाषाएं बोलोगे? बोलिए। परंतु
हो गया। अब किताब बंद रखना, प्रश बंद यानी बंद यानी बंद बिल्कुल, और सुनना यानी मात्र सुनना। मैं तो आपसे कहूँगा सर्वांग को कान बनाकर जो सुनेगा उसे दोबारा देखने का काम भी नहीं पड़ेगा, इतना विषय तैयार हो जाता है स्वयं। अब इस चौथे गुणस्थान के कुछ विशेषताएं देखेंगे। पहले तीन गुणस्थान थे, तीन सम्यक के तीन प्रकार, औपचमिक सम्यक तो बोलिए, दूसरा, तीसरा, ऐसा न बोलते हुए अलग क्रम से बोलना, औपचमिक, क्षौपचमिक, क्षायिक, क्यों? इसी क्रम से सम्यक की प्राप्ति होती है, इसलिए बोलिए। तीन प्रकार के सम्यक तो है। अब सम्यक का काल देखेंगे। अभी हमने पहले जो देखा अविवर्त सम्यक गुणस्थान का काल देखा, अब हम काल देखेंगे सम्यक का काल। दोनों में अंतर है, कैसा अंतर है? देखो भाई, क्षौपचम सम्यक से जीव यहाँ भी रहे, स्वर्ग में भी जावे, फिर मनुष्य में भी आवे, फिर स्वर्ग में जावे, तो भी क्षौपचम सम्यक तो रह सकता है। गुणस्थान का काल देखना अलग है और सम्यक का काल देखना अलग है। अब मैं बोलता हूँ और तत्काल जो सुनाएगा उनसे सुनूँगा। औपचमिक सम्यक का जघन्य काल, उत्कृष्ट काल मात्र अंतर मुहूर्त ही है। औपचमिक सम्यक का जघन्य काल, उत्कृष्ट काल मात्र एक अंतर मुहूर्त ही है, एक हो गया। अब क्षौपचमिक सम्यक का जघन्य काल एक अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 66 सागर है। अब क्षायिक सम्यक का काल सादी अनंत है। अब मुख्य प्रश्न यहाँ ये है, क्षौपचमिक सम्यक का 66 सागर काल कैसा होता है? 66 सागर काल कैसा होता है? आप विद्वान बनने जा रहे हो, मुंह में उंगली देना महान अनर्थ है भाई। प्रवचन में जाओगे और मुंह में उंगली देते हुए बोलोगे अथवा बैठोगे तो कितना भद्दा दिखेगा। इसलिए आप सोचो, अपनी ऐसी प्रवृत्ति न हो। हाँ भाई, अब 66 सागर काल कैसा होगा एक बार ही बताऊंगा। भाव लेंगे मुनिराज मनुष्य भव में, भावलिंग मुनिराज है यहाँ क्षौपचम सम्यक तो है, वे वैमानिक देव होंगे, 20 सागरोपम काल की आयु रहेगी। वहाँ से फिर मनुष्य होंगे, फिर मुनिराज बनेंगे, भावलिंग मुनिराज बनेंगे, फिर दोबारा 24 सागर के वैमानिक देव होंगे, फिर नीचे मनुष्य होंगे, वैमानिक देव मनुष्य होंगे, भावलिंगी मुनि बनेंगे, और फिर 22 सागरोपम काल का वैमानिक देव का भाव मिलेगा। 66 सागर हो गए, 20, 24, 22, कौन बताएगा मुझे? हाँ बोलो, मुझसे पूछो ना, फिर उनसे क्या पूछो। यानी 20, 24, 22, तीन बताए, उसमें कौन सा समझ में नहीं आया? हाँ भाई, कितने लोग बता सकते हैं बोलो। भावलिंगी मुनि वैमानिक देव में 20 सागर की आयु बांधेंगे, उसके बाद वापस से मनुष्य गति में जन्म लेंगे, फिर भावलिंगी मुनि होंगे और फिर 24 सागर की आयु बांध देंगे,
विमानवासी देव बनेंगे, उसके बाद मरण के पर्यंत फिर मनुष्य बनेंगे, फिर भावलंगी संत बनेंगे और फिर 22 सागरोपम की आयु बांधेंगे। इस प्रकार 66 सागर की आयु हुई। बहुत बड़े, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बैठो, देखो समझने की क्षमता आपके प्रत्येक विद्यार्थी में है, समझने में कोई कम है ऐसा नहीं है। ज्ञान तो बराबर है, उपयोग कितना लगाते हैं उस पर निर्भर है। अब काल हो गया, सम्यक का काल अलग, अव्रत सम्यक गुणस्थान का काल अलग। अब देखिए, अब सम्यक की अपेक्षा विचार हो गया, परिभाषा हो गई, सम्यक के भेद हो गए और सम्यक के भेद के साथ काल हो गया, सम्यक काल हो गया, सम्यक का काल हो गया। अब चारित्र अपेक्षा विचार करेंगे, चारित्र अपेक्षा विचार करेंगे तो यहाँ कौन सा चारित्र रहेगा? चौथे स्थान में कौन सा चरित्र रहेगा? स्वरूपातन चरित्र रहेगा, सेम नहीं होगा, स्वरूपातन चरित्र होगा। अब हम विशेषता की अपेक्षा से सोचेंगे, क्रम से। पहले समझो, पहले मुझे बता दो, मेरे पास एक नया पैसा है और मेरे पास नया पैसा है ये बोलने में मुझे संकोच होता है, मुझे रुपए में बोलने की आदत है, तो रुपए में मैं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? एक नया पैसा है, मैं पैसे में नहीं बोलूँगा, रुपए में बोलना चाहता हूँ, बोलो क्या बोलोगे? बोलो ना, 1/100 रुपए मेरे पास है। आप क्या समझते हो? 1/100 रुपए मेरे पास है। सामने वाला एक ही पैसा है नया, जो आज बिल्कुल बाजार में उपयोगी उपलब्ध भी नहीं है, काम भी नहीं आता, 54 काम में नहीं आती, 58 भी काम में नहीं आती, ऐसे काल में भी एक रुपया एक पैसा हो वो बोलता है मेरे पास 1/100 रुपया है। उसकी बात सत्य है या असत्य है? सत्य है ना। उसी तरह सर्वज्ञ भगवान को जो सुख है, सर्वज्ञ भगवान का सुख का नाम क्या है? अव्याबाद अनंत सुख है। उनको जिस तरह निराकुल सुख है शब्द भगवान को, उसी जाति का निराकुल सुख चौथे गुणस्थान में है। फिर से सुनो, जिस जाति का निराकुल सुख सिद्ध भगवान को है, उतना नहीं, उस जाति का निराकुल सुख चौथे गुणस्थान में है। फिर बीच में प्रश्न पूछना चाहूँगा, जब सीता के वियोग में रामचंद्र रोते थे, पेड़ पौधों से पूछते थे मेरी सीता कहाँ गई, मालूम है क्या? रोते थे, आदमी से पूछते तो ठीक है लेकिन पेड़ पौधे से भी पूछते थे, कितना राग, और रोते थे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि वे उस समय निराकुल सुखी भी थे या नहीं थे? जोरदार आवाज़ नहीं आती, थे वे रोते समय भी निराकुल सुखी थे? देखो भाई, आप लोगों को जिन धर्म समझना है, अनंत सर्वज्ञ भगवान का बताया हुआ जिन धर्म समझना हो, तो सिद्ध भगवान को जिस जाति का निराकुल सुख है, उसी जाति का सुख चौथे अनुष्ठान में रोते समय, युद्ध करते समय, नींद में भी उनको निराकुल सुख है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। ये कैसे? रोते समय सुखी कैसे? लड़ते समय सुखी कैसे? अरे भाई, एक कषाय चौड़ का अभाव हो गया तो जो वितरकता प्रकट हो गई वो लगातार रहेगी, तो गारंटी से सुख होगा, होगा और होगा ही। ये विषय जब तक जिस किसी को समझ में नहीं आएगा तब तक उसे
जिन धर्म समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी अपने नरक के संयुक्त चर्चा की तो हमें स्वीकार होना चाहिए सातवें नरक में भी छः अंतर्मुर्त कम 33 सागर सम्यक के साथ जीव रहता है, उस समय निराकुल सुख का अनुभव करता है। कब? अनेक लोग पीट रहे हैं नारकी जीव, अनेक लोगों में पीट रहा है तो भी उसे सिद्ध भगवान के जाति का निराकुल सुख है। यह स्वीकारने में कष्ट लगता है, ये कैसे? देखो भाई, मोक्ष मार्गी हो गया है तो सुखी है, निराकुल सुखी है, उसे निराकुल सुख होना ही चाहिए। इसलिए यह समझ लेना चौथे स्थान से निराकुल सुख का प्रारंभ नियम से होता है, पहली बात। अब दूसरा विषय है, तुम्हारे पीछे कौन है? हाँ, मैं ये सुनाना चाहूँगा, चौथे इंसान से ही जीव को, मनुष्य जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। चौथे गुणस्थान में हो सकता है बंध तीर्थंकर प्रकृति का, केवली अथवा श्रुति केवली के पादमूल में ही होगा। चौथा गुणस्थान होगा उसे होगा, ये सामान्य कथन, विशेष कथन केवली अथवा श्रुति केवली के पादमूल में ही उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, होता ही है नियम से, ऐसा नहीं। अब मैं कल के लिए आपको आज जो विषय बताया वो विषय पूछूंगा, और विशेषताएं जो मैंने दो बताई, बाकी भी 5-6 विशेषताएं हैं, वो भी पढ़कर आना, समझ कर आना, और जो विषय चलता है उस संबंध में, चौथे उत्सव के संबंध में प्रश्न भी पूछना। मैंने आज जो पढ़ाया है वो कल पूछूंगा भी। कौन नहीं भैया? आज गाँव गए, बाकी सब ये गायक नहीं है, गायक तो था, गायक नहीं है, गायक नहीं। अच्छा, अच्छी बात है, चलो जा सकते हो।